सर्वप्रथम प्राकृतिक शक्ति को मेरा सेवा 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 जोहार। मैं रचना कुमरे जबलपुर से हूँ और वर्तमान में GSU जबलपुर से सदस्य हूँ। सभी सगा जनों को मेरा सेवा 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 जोहार। शायद इतिहास में ऐसा कोई संगठन होगा जिसने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन को इस प्रकार से मनाया होगा, तो ये GSU के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने एक नए तरीके से सोचा और नए तरीके से लोगों को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, और हम लोगों को भी सीखने का मौका मिल रहा है कि हमने भी पहली बार लाइव आए हैं और GSU ने हमें ये मौका दिया है। इसके लिए मैं GSU की बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि कुछ लोगों को लगता है कि शिक्षा सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि हम बड़े पोस्ट में जाएँ, बड़े पद पर जाएँ, जॉब पाएँ, कोई किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब पाएँ, तो शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? हमारे साथ आज गलत हो रहा है कैसे पता चल रहा हमें? क्योंकि हम शिक्षित हैं ना, इसलिए पता चल रहा है। पर कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, और हर व्यक्ति का दायित्व है। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अधिकतर गांव से ही बिलोंग करते होंगे, मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ, पर बाहर निकले, बाहर चीज़ें सीखी हमने, तो हमें हर लेवल पे जाना चाहिए। हमें पूरी MP की या इंडिया की जिम्मेदारी नहीं लेनी, हमें सिर्फ अपने गांव की, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेनी है। एटलीस्ट हम वहाँ जाके तो अपना सही गलत और सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो हमने अभी तक सीखा है वो हम उनको बता सकते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ हमारी समाज का बल्कि हमारे सारे समुदाय का विकास होगा। तो ये हर एक GSU मेंबर से मेरी विनती है कि वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने लोगों को जागरूक करें और उनको बोलें कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा हम अधिकारों की बात करते रहते हैं, हमारा अधिकार ये है, हमारा अधिकार ये है, कभी कर्तव्य के बारे में जानने की कोशिश की नहीं की होगी। तो हमें अपने पहले कर्तव्य जानने हैं, हमें अपना कर्तव्य पहचानना है कि हमारा ये कर्तव्य है और हमने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया है, तब जाके हमें अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि सब शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और अशिक्षित ही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, तो हमें पहले इस अभिशाप को दूर करना है। आपने देखा ही होगा कि गांव में माध्यमिक स्कूल और मिडिल स्कूल जो गवर्नमेंट है उसकी क्या कंडीशन है। जब वो गवर्नमेंट का बच्चा हमारे शहर में आके कॉन्वेंट के बच्चे के साथ मुकाबला करता है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कॉन्वेंट वाला बच्चा ही आगे निकलेगा। तो हमें उस लेवल पे उसको प्रिपेयर कराना है कि वो जब हाई स्कूल में जाए या हायर एजुकेशन को फेस करे तो वो इस कंडीशन में हो, इस डिसीजन लेने की क्षमता उसके अंदर हो कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। ये GSU को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मैं ये कहूँगी। और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने गांव में देखा हुआ है कि 62 साल 61 साल के जो सहायक शिक्षक हैं या संविदा वर्ग शिक्षक हैं तो वो उस चीज़ से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनको बोल दिया गया है दीक्षा ऐप से आप ट्रेनिंग लो, डिजिटल LEP से आप बच्चों को पढ़ाइए। व्यक्ति कैसे पढ़ाए जब उसने अपनी पूरी 61 साल की उम्र में कभी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं छुआ, वो कैसे बच्चों को उस चीज़ से जोड़ेगा? और चलो ठीक है, हम सोच लेते हैं कि टीचर ने वो चीज़ सीख भी ली है, तो क्या गांव में एंड्रॉयड मोबाइल होंगे? क्या बच्चा उस सिस्टम को, उस ऐप को ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें हर लेवल पे डिसीजन लेना चाहिए कि अगर हमारे सामने परिस्थितियां विपरीत आएँ तो हम कैसे उसको सक्रिय बनाएं, कैसे उनको अपने फेवर में लें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि शिक्षा के लिए, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो हमारी संस्कृति का संरक्षण बखूबी कर सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी सेवा 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 जोहार। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद।